मुरादाबाद में आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी द्वारा मुरादाबाद की विभागीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगे की कार्य योजनाओं को लेकर सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई, जिसमें आने वाले राम मंदिर के फैसलों को लेकर भी आयोजन किया गया। आलोक कुमार द्वारा बताया गया कि राम जन्मभूमि पर कोर्ट का आने वाले दिनों में जो फैसला होने वाला है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह फैसला राम मंदिर के हित में ही होगा और हम राम मंदिर बनाएंगे। ये पहला प्रवास है और यहाँ की जो पूरी टीम है मुरादाबाद महानगर की, मुरादाबाद जिले की, रामपुर की, उससे मिलना ये एक बड़ा कार्यक्रम है। शाम को एक मीटिंग होगी और उसके बाद संतों से मिलके मैं लौट जाऊँ। अभी तो हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि की बहस, उसकी ओर सबका ध्यान है और 4-5 दिन में वह बहस पूरी हो जाएगी। 17 नवंबर तक उसका निर्णय आएगा। हमारे मुकदमे की स्ट्रेंथ ऐसी है, उसकी ताकत ऐसी है, उसके जो प्रमाण हम कोर्ट में दे पाए हैं वह साक्ष्य ऐसे हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हम जीते हैं और इसलिए हम राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के संकल्प को पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा है। अनुकूल निर्णय आएगा तो अगले वर्ष तक मंदिर का निर्माण भी शुरू कर सकते हम लोग। इस समय अपना बड़ा एक ध्यान समरसता की ओर भी लग रहा है। आज भी मैं यहाँ आया तो भगवान वाल्मीकि के प्रकटोत्सव पर जो हवन और भंडारा हो रहा है उसमें भाग लेने के लिए मुझे निमंत्रण किया था। देश भर में जाति पाति छोटा बड़ा यह भेद दूर होकर के समरस समाज बने, इसकी ओर हम लोगों का विशेष ध्यान अभी है और उसके लिए बहुत सारे सेवा कार्यों को करना, सब धर्माचार्यों को संगठित करना, मठ मंदिर के लोगों को इस काम में लगाना, इसके बारे में भी हमने आज की मीटिंग में चर्चा की। हमको इस बात की थोड़ी चिंता है इस क्षेत्र के लिए कि चंगाई सभा के नाम पर यहाँ लोगों को धोखे से ईसाई बनाने का षड्यंत्र पिछले दिनों में तेज हुआ। धोखे से या प्रलोभन से इस तरह के प्रयत्न ये तनाव बढ़ाते हैं। हमको ये भी ध्यान में आया कि कहीं कहीं गांव सभा की जमीन पर कब्जा करके मस्जिद खड़ी करने के भी प्रयत्न हुए। विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि ऐसी सब कोशिशें समाज में तनाव पैदा करती हैं। हम समाज को भी इस बारे में चैतन्य करेंगे और हम सरकार को भी कहेंगे कि इस तरह की कोशिशों पे लगाम लगाएं। हमको विश्वास है कि विश्व हिंदू परिषद के प्रयत्नों से मुरादाबाद के क्षेत्र में हिंदू शक्ति को जागृत करके और हम एक तेजस्वी समाज का निर्माण कर सकेंगे। मुझे अपनी ओर से इतना कहना था, आपको पूछना हो तो आप पूछना। रिजल्ट पक्ष में नहीं आया राम मंदिर का, तो उस पर विश्व हिंदू परिषद क्या करेगा? ऐसी कोई संभावना नहीं है। जितना मैं उस मुकदमे को समझता हूँ और जितना मैं उस मुकदमे के प्रवाह को देखता हूँ, मुझे विश्वास होता है कि हिंदू विजयी होंगे।